हाय स्टूडेंट, जीआरटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में कि अगर जो हमको रैंक फंक्शन का यूज करना हो तो रैंक फंक्शन का कैसे यूज करते। चूंकि ध्यान दीजिए, लगभग पिछले क्लास तक हम लोगों ने दो सीट कवर किया था, यानी कि दो डेटा बनाए थे। कौन कौन सा? एक स्टूडेंट डाटाबेस और दूसरा स्टूडेंट मार्क्स। इतना क्लियर था ना? अब अगला, एक और हमको सीट चाहिए। तो देखिए, सीट इंसर्ट कराने का शॉर्टकट क्या होता है? क्या शिफ्ट के साथ या F11? न्यू सीट अगर जो इंसर्ट कराना है तो शिफ्ट के साथ या फिर शॉर्टकट की नहीं पता है तो आपको यहीं पे प्लस का आइकन दिखाई देगा, क्लिक कर दे, एक नया सीट आ गया है ना। चलिए, ये हम डेटा बना रहे हैं किस लिए? तो पहले हम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, मर्ज एंड सेट नाम दे दिया इसका, यूज ऑफ ऑफ रैंक फंक्शन। क्या दिखे? यूज ऑफ रैंक। इसके साइज को अपने अनुसार जो जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो फॉर्मेटिंग कर लेना, हो जाएगा ना। बोल्ड कर दिए, बॉर्डर लगा लिए यहां से, और बॉर्डर लगाने के बाद इसको कलर कर दिए, हो जाएगा ना। अब ये तो हो गया हमारा डेटा हेडिंग का फॉर्मेटिंग। लेकिन नीचे अब हमको डाटा बनाना है, तो डाटा बनाने से पहले आखिर ये समझ लीजिए ये रैंक फंक्शन का यूज कब करें। आ रहा समझे ना? देखिए, कोई कंपनी अगर जो होता है ना, तो कंपनियों में भी ज्यादातर कंपटीशन होता है। कंपनी में भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्या, अगर जो कोई किसी कोई कंपनी है ना, वो कंपनी ये चाहती है कि हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लाई हैं उन लोग का प्रोत्साहन बढ़ा रहे। उसके लिए क्या कराएंगे सर? कुछ ना कुछ अवार्ड देते हैं सर, ऐसा होता है ना, अवार्ड मिलेगा। लेकिन अवार्ड किस पोजिशन पे मिलता है? एक एग्जाम्पल ले लिए, सिर्फ नंबर ले लेते हैं कि 1,000 से लेकर के और 10,000 तक हमको लेना है। कितना तक? 10,000। तो जो इसका सबसे हाई रहेगा वो फर्स्ट रैंक पे, आ समझे ना। उससे जिसका कम रहेगा वो सेकंड रैंक पे, उससे जिसका कम रहेगा वो थर्ड रैंक पे। ऐसे निकालना हो सकता है ना? या फिर सिंपल एक चीज और समझ लेते हैं, कहीं रनिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रनिंग। अब रनिंग के टाइम पे हमको क्या करना है कि जो कम समय में आया है, एक एग्जाम्पल है, सपोज करिए कि 2 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है। कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर। अब इसमें टाइम हमने दिया है लगभग कितना मिनट? 5 मिनट। टाइम कितना दिया है? 5 मिनट। अब 5 मिनट में ऐसा हुआ, कोई 5 मिनट से कम में भी आ सकता है, कोई 5 मिनट से अधिक में भी आ सकता है। अक्सर ये होता है कि नहीं होता है कि? रनिंग में वैसे ही वो 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो कोई जो है 4 मिनट में ही आ गया। आ रहा समझ में ना? कोई 4 मिनट 20 सेकंड में आ गया, कोई 5 मिनट में आया, कोई 5 मिनट 30 सेकंड में आया। कितना है? 5 मिनट 30 सेकंड। जो सबसे कम समय में आया है उसको हमको क्या रखना होगा? फर्स्ट रैंक पे रखना होगा ना। आ रहा समझ में ना? तो देखिए, रैंक अगर जो देना आती है दो कंडीशन में होता है। कितने कंडीशन में होता है? दो। पहला क्या होगा? असेंडिंग, और दूसरा होता है डिसेंडिंग। पहला क्या होता है? असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होगा बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा? घटते क्रम। अब दोनों का इस्तेमाल क्यों करेंगे, कब करेंगे? देखिए, अगर यहाँ पे नंबर अगर हम ले लिए हैं तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है ना। टाइमिंग लिए हैं तो 4 के बाद से 4 मिनट 20 सेकेंड, 5 मिनट 5 मिनट 30 सेकेंड, ये बढ़ते हुए जा रहा है ना। लेकिन कहीं एग्जाम हुआ हो, इसका 99 नंबर आया हो, उसको फर्स्ट रैंक पे रखना है। जिसका 95 है उसको सेकेंड रैंक पे रखना है। जिसका 90 नंबर है उसको थर्ड पे रखना है। जिसका 84 85 है उसको फोर्थ रैंक पे रखना है। ये तो घटते क्रम में आ रहा है ना। जो घटते क्रम में आएगा वो क्या होगा? डिसेंडिंग। और जो बढ़ते क्रम में होगा वो क्या होगा? एसेंडिंग। इतना क्लियर है ना? तो चलिए, अब हम कुछ डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए सिंपल हम क्या किए, यहाँ पे दे देते हैं SR नंबर, सीरियल नंबर। उसके आगे दे दिए हम नेम। क्या दे दिए? नेम। नेम के आगे हम यहाँ पे कर देंगे क्या? टाइम। क्या दे दिए? टाइम। टाइम के आगे हम यहाँ पे दे दिए क्या? नेम दे दिए, टाइम, और यहाँ पे दे देते हैं हम रैंक। क्या दे दिए? रैंक। जिसको पोजीशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पोजीशन। कितने पोजीशन पे आया है, फर्स्ट पे की सेकंड पे की थर्ड।
और फिर उसके आगे हम दे देंगे अवार्ड, क्या दे देंगे? देखिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर देते हैं 1 2, दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे जहां तक चाहिए, आ जाएगा इतना ना। नाम अगर नौ लिखना पड़े तो क्या हम पिछली सीट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना? कॉपी की और यहाँ पे ला करके क्या कर ली, पेस्ट कर, हो जाएगा ना। अब आगे हमको यहाँ पे टाइमिंग देना है, चलिए पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तब तो हम इसको टाइमिंग टाइप कर देते हैं। हो जाएगा इतना ना। टाइम क्या देना है कि जो अशोक है वो कितने समय रनिंग करके आए हैं, सैफ कितने मिनट में आए हैं, अजनबी कितने मिनट में आए, नसीम कितने मिनट में, अमन कितने मिनट में, ये डेटा हमको क्या करना है, ऐसे टाइप कर लेना, हो जाएगा ना। अब देखिए टाइप करने के लिए हम क्या कर दिए, मान लिए कि जो अशोक हैं ये आ गए लगभग कितने मिनट में, 6 मिनट में, ऐसे कॉलन करके टाइप करना होगा, आ रहा समझ में ना। टाइमिंग देना तो हमको ऐसे देना होगा, कितना मिनट में, 6, हो जाएगा ना। फिर आगे आ जाएंगे, सैफ मान लिए कितने मिनट में आ गया, इसको ले लिए 6 मिनट और ये 10 सेकंड में आया, कितने मिनट में, 6 मिनट 10 सेकंड। अजनबी ले लिए, ये आ गया कितना मिनट में, तो 5 मिनट 40 सेकंड, कितना मिनट में, 5 मिनट 40 सेकंड। उसके नीचे नसीम का ले लिए, ये आ गया कितना, इसको ले लिए 5 मिनट 30 सेकंड में, कितना, 5 मिनट 30 सेकंड। आगे ले लेते हैं अमन, अमन आ जाए कितना, लगभग 7 मिनट, सही है अमन, 7 मिनट में आ जाओगे ना। चल फिर आगे हमको किसका देना है, राजा का, इनका दे दिया हम कितना, 6 मिनट 30 सेकंड, हो जाएगा। आगे हम दे देंगे इनका उत्कर्ष का, उत्कर्ष का दे दिए, ये लगभग आ जाएंगे कितना मिनट में, कितना मिनट में आ जाएंगे, 2 किलोमीटर कर दिए, 5 मिनट 35 सेकंड, सही है ना। अब सबको इसी के बीच में रख रख लेते हैं, हो जाएगा। ताओ राहुल कितना भर दें, 7 भर दें, मतलब 7 10 कर देते हैं क्या, 7 मिनट 10 सेकंड। रागनी तुमको 10 मिनट, चल तुमको कर दी, तुम आ जाओ कितने मिनट में, 4 मिनट 15 सेकंड, या तो 4 मिनट 10 सेकंड में कर। और सोनी 5 मिनट, 5 मिनट 1 सेकंड ले लेते हैं, 5 मिनट 1 सेकंड, हो जाएगा ना। तो लगभग ऐसे हमने सबका नंबर टाइप कर दिया है ना, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे किसी का ऐसा हुआ जो 2 रैंक पे आने वाला है, मान लिए कि जैसे सपोज के सोनी का यहाँ पे 5 मिनट 1 सेकंड है ना, तो यही 5 मिनट 1 सेकंड कहीं और आ गए, दो लोग एक बराबर आ गए, तो अगर ये इन लोगों का 2 रैंक है तो दोनों का 2 हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर तब काउंट नहीं करे, तब डायरेक्टली कौन सा नंबर आ जाएगा, 3, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन करा करके सेकेंड और थर्ड पे रखा जाएगा, आ रहा समझे ना। वो अभी समझा देते हैं, पहले अभी हम लोग रैंक निकाल लेते हैं, हमको रैंक निकालना होगा ना, कौन पहले पे आया, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पर। वैसे जब हम काउंट करने लगे, सबसे कम टाइम इनका है ये पहले पे, उसके बाद से ये है दूसरे पे, उसके बाद तीसरे पे कौन है, ये है, चौथे पे ये है, ऐसे टाइम लगेगा ना, या फिर ऐसे नंबर है तो हम थोड़े टाइम में निकाल लेंगे, लेकिन यही संख्या ज्यादा और टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू रैंक, क्या लिखेंगे, इक्वल टू, तो रैंक में पहले क्या कह रहा है, नंबर, तो नंबर जब पूछेगा इसके जस्ट सामने वाले नंबर को सेलेक्ट कर ले, सामने वाले नंबर को क्या करेंगे, एक नंबर हो गया है ना, कॉमा करेंगे, तो कह रहा है REF, यानी कि रेफरेंस पूछ रहा है कि नंबर आपको किस रेफरेंस से निकालना है, तो टाइम सहित पूरे हेडिंग पूरे डाटा को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे इस डेटा को फिक्स करना होता है, क्या करना होता है, फिक्स। फिक्स का मतलब पता है क्या होगा, कि अगर जो डेटा हम ड्रा करें तो ये चेंज ना हो, चेंज ना होने का मतलब देखिए, ये समझाने के लिए ये डेटा पहले फार्मूला हटा दी,
पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ अगर हम 10 लिख दें और यहाँ अगर हम 15 लिख दें, कितना लिख दें 15, और यहाँ पर अगर इक्वल टू करें, इसको सेलेक्ट करके प्लस और इसको सेलेक्ट करके इन, तो 25 बता दे रहा है ना, लेकिन जब इसको ड्रा कर रहे हैं तो नीचे क्या बता रहा है, क्यों 0 बता रहा है, क्योंकि ये सेल जब हम सेलेक्ट किए थे ना, जब इसके सामने इसको सेलेक्ट किए थे तो वही था, लेकिन जब ड्रा करते गए तो वो अपने सामने आता चला गया। देखिए अगर हम इसको देखें, ये अपने सामने सेलेक्ट किया है ना, सेलेक्ट किया कि नहीं किया है, हम चाहते हैं जहां पे हम सिलेक्शन किए हैं वही फिक्स कर दें, कि ड्रा करेंगे तो भी चेंज नो, तो उसके लिए पता है क्या करेंगे, इक्वल टू करके इसको सेलेक्ट कर ले, देखिए इसको F4 दबा दी, फिक्स हो जाएगा, डॉलर का सिंबल लग चुका है दोनों में ना, किसका सिंबल लगा है डॉलर का, इनको फिक्स है, प्लस कर दिए और इसको सेलेक्ट करके इसको फिक्स नहीं करते हैं, बस इंटर कर दिए, देखिए एक यही रह जाएगा, वो चेंज होगा ही नहीं, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा, कैसे ड्रा करें। अब आगे क्या बता रहा है, सिर्फ 10, 10 इसलिए बता रहा है क्योंकि एक से लिए वाला वहां फिक्स कर दिए थे, अब वो चेंज होने वाला नहीं, वो वहीं रहेगा, नीचे आने नहीं दे, आ रहा समझ में ना, मतलब फिक्स करने का ये समझ लीजिए कि जहां पे आप सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके F4 बटन आप दबा देंगे, कौन सा बटन, F4 बटन, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, आप कितना भी ड्रा करिए उस सेल को तो वो नीचे आने वाला नहीं, तो फिक्स का मतलब समझ आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए पहले इस डेटा में भी हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू रैंक लिख लिए, ब्रैकेट ओपन, और सामने वाले नंबर को क्या कर लिए, सके इसको तो फिक्स नहीं करना क्योंकि चेंज होते जाना है नीचे, कि इस बार 6 नंबर का बता रहा है तो पिछली बार 6 10 का बताएगा, उसके अगली बार 5 40 का बताएगा, उसके अगली बार 5 30 का बताएगा, ये चेंज होते जाना है, इसको फिक्स नहीं करना है, कॉमा कर दिए, रेफरेंस कह रहा है तो पूरे रेफरेंस को क्या कर लिए सले, इसी को फिक्स करना था लेकिन फिक्स नहीं किया, उसका रीजन देखिएगा क्या हो, कॉमा कर दिए, तो क्या पूछ रहा है ऑर्डर, क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, असेंडिंग की डिसेंडिंग, तो यहाँ पे असेंडिंग देना होगा ना, क्योंकि बढ़ते क्रम में लेकर के जाना है, असेंडिंग देंगे, और यदि घटते क्रम में लाना होता तो डिसेंडिंग, तो असेंडिंग के लिए क्या दिया है 1 और डिसेंडिंग के लिए 0, देखिए यहाँ पे असेंडिंग के लिए लिखा है क्या है, और जब आप असेंडिंग देना चाहते हैं तो असेंडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, 0 देना होगा, 1 देना होगा, और डिसेंडिंग के लिए, और जब असेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो भी 1 आएगा, तो सिर्फ 1 लिख लीजिए, हो जाएगा ना, ब्रेकेट को करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे, देखिए तो पोजीशन बता दी, 6 रंग पे आएंगे ना, पहले का बता दिया, लेकिन जब ड्रा कर रहे देखिएगा सबका बता रहा है ना, बता सबका रहा है लेकिन गलत सब में हो रहा है, गलत सब में हो रहा है, पूछिए कैसे, ये 6 मिनट 10 सेकंड में है ना, कितने रैंक पे है, ये 7 मिनट में कितने रैंक पे है, 6, इसको कम होना चाहिए और इसको अधिक होना चाहिए था ना, पता है क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम इसको सेलेक्ट किए थे उससे हमारा पूरा नंबर सेलेक्ट था, टाइम से लेकर के नीचे तक सब सेलेक्ट हुआ है ना, लेकिन जब वही नीचे आ रहे हैं देखिए क्या हुआ है, क्या पूरा नंबर सेलेक्ट हुआ है, सेल नंबर वाला नीचे ड्रा हुआ है ना, इसी सेल को वहीं पर रोकना है, हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, क्या करेंगे वहां पर फिक्स, कैसे, देखिए जब हम फार्मूला लगाने आएंगे ना, इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, रैंक लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन, हो जाएगा ना, फिर नंबर में सिंगल नंबर को क्या कर लेना है सेलेक्ट, कॉमा, फिर पूरे टाइम से डिफरेंस को क्या कर लेना है सेलेक्ट, F4 यहीं पे दबा देंगे, किस लिए, फिक्स करने के लिए, देखिए सबके सामने डॉलर का सिंबल क्या गया है ना, डाटा हमारा फिक्स हो गया, फिर हम करेंगे कॉमा, अब पूछ रहा है असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग चाहिए तो 1 की, ब्रेकेट को कर दिए क्लोज, और फिर इसका 6 रैंक आया है ना, अब और जिसको ड्रा कर देखिए सारा अपने आप सही हो जाएगा, हो गया सही, सबसे फर्स्ट रैंक पे किसका है, सेकंड पे सुन, थर्ड पे कौन है, नसीब, फोर्थ पे कौन है, उत्कर्ष, फिफ्थ पे कौन है, अजय, सिक्स पे अशोक, सेवेंथ पे सह, एट पे कौन है, राजन, नाइन्थ पे कौन है, अमित,
अमन। और 10th पे कौन है? सबका पोजीशन बता दिया ना। लेकिन अगर जी इसी में हम क्या करें, अगर जो किसी का और हम यहाँ पे क्या कर दिए, 5 मिनट 1 सेकंड कर, तो 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो कहीं इस पूरे नंबर में आपको 3 दिख रहा है? इस पूरे नंबर में कहीं 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। 3 इसलिए नहीं है क्योंकि तो 2 लोग जो है एक रैंक पे आए हैं। अब इन दोनों में कंपटीशन जब होगा तो एक दूसरे रैंक पे आ जाएंगे और एक तीसरे रैंक पे चले जाएंगे, हो जाएगा ना। अब इन दोनों में बाद में जब रनिंग होगा, अब कौन पहले पे आए कौन दूसरे पे आए, तो बाद में हो सकता है कि उत्कर्ष इस बार 5 मिनट में ही आ गए। कितने मिनट में? 5 मिनट में आ गए। और उसके बाद से जो सोनी का है ये इस बार आगे कितने मिनट में, मान लेते इस बार ये आगे 5 मिनट 10 सेकेंड। इस बार ऐसे ही डिसीजन ले लिया जाएगा कि पहले पे कौन है उत्कर्ष और दूसरे पे कौन है राकेश, निकल जाएगा ना। तो अगर जो बाद में एक दो कंडीशन रह गई थी निकल जाएगा ना। हाँ लेकिन अभी हमको करना क्या है, अभी इसमें ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कैसे निकल रही समझा रहा है ना। देखिए बिल्कुल सिंपल, हम सबसे पहले क्या किए, इक्वल टू किए, रैंक कर दिए ब्रैकेट ओपन, नंबर कह रहा है तो नंबर को सिर्फ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों, ये जब ड्रा करेंगे ना तो ये नंबर हमारा इस बार 6 को काउंट कर रहा है, अगली बार 6 10 को, 5 40 को, 5 30 को, 7 को, 6 30 को, ऐसे काउंट करता हुआ चला जाए। आ रहा समझ में ना। फिर हम क्या करेंगे, यहां करेंगे कॉमा, तो जहां रेफरेंस कह रहा है वहां पे पूरे टाइम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ना। और जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हमको क्या दबा देना होगा, F4 बटन, F4 दबाते ही अपने आप सबके अंदर कॉलन ये डॉलर का सिंबल आ गया है ना। हम F4 क्यों दबाएं, ताकि डेटा हमारा वहीं पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, नीचे चेंज नो। फिर क्या करेंगे, करें असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो अगर जो चाहते नहीं घटते क्रम में चाहिए तब तो हम करेंगे 0 डिसेंडिंग के लिए। तब पता है क्या होगा, जो सबसे अधिक समय में आए हैं राहुल, जो 10 पोजीशन पे आ रहे थे ना, तब ये फर्स्ट पोजीशन पे हो जाए। आ रहा समझे ना। और ये जो रागनी का है ये पहले कितने सेकंड में था, फर्स्ट रैंक पे था ना, ये थर्ड रैंक है, बिल्कुल लास्ट रैंक पे चला जाए। तो इस बार डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग रखना होगा ना। असेंडिंग कर दिए, ब्रेकेट वो कर दिए क्लोज, और अब निकल जाएगा ये ना रैंक वाला, कोई दिक्कत इसमें? हाँ रैंक के हिसाब से आपको अवार्ड देना है। अवार्ड क्या देना है, देखिए हमारे यहाँ ऐसा कंडीशन है ना कि इनका पहले कितना था उत्कर्ष का, पहले 4 था ना, ये 4 ही रहने। अब देखिए अब थोड़ा सा यहाँ आप समझ लेते हैं, रैंक के हिसाब से हमको अवार्ड देना है, रैंक के हिसाब से क्या देना है अवार्ड। तो कंडीशन क्या है, हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दे दें, क्या जी बिल्कुल सिंपल है, देखो जो 1 है तो 1 जिसका, अगर 1 के बराबर जिसका पोजीशन है उसको क्या देना है, मान लेते हैं कार देना चलाने के, क्या देना चलाने के, हाँ आया समझे ना। जिसका पोजीशन 2 है, 2 को क्या देना, बाइक देना, क्या देना है बाइक। और जिसका 3 है उसको क्या देना है, साइकिल देना, क्या देना है साइकिल। अवार्ड देना पड़ सकता है ना, अब कोई जरूरी नहीं है, अगर हम चाहते हैं नहीं जिसका फर्स्ट डिवीजन है उसको हम क्या कर सकते हैं, 5 रुपये वाला कोई चॉकलेट दे सकते, चॉकलेट का नाम लिख देंगे। अरे समझे ना। हाँ जिसका 2 नंबर है उसको चाहते नहीं उसको 2 रुपया वाला या 3 रुपये वाला कोई चॉकलेट दे, वो दे देंगे। हाँ जिसका साइकिल है उसको 1 रुपये वाला चॉकलेट दे देंगे। अरे समझे ना, तो वो भी जो भी आपको देना हो वहां पे लिख सकते। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि नहीं, कंडीशन है ना, तो कंडीशन है फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ हम यही देंगे ना, इक्वल टू इफ, यदि हम सेलेक्ट कर लें किसको, एक रैंक को, कि अगर जो मान के चलिए हम रैंक ले लिए 1, यदि 1 बराबर है तो 1 के तब क्या करना है, कॉमा और डबल कॉमा इसको दे देना है क्या,
हो जाएगा ना। फिर हम आगे कंडीशन दे देंगे, इफ यदि यही कंडीशन यदि बराबर होता है कितना के, दो, तो क्या करना है इसको कॉमा और डबल कर उसको दे देना है डॉट कॉमा, फिर कॉमा करके एक बार और इफ लगा देंगे, यदि यही कंडीशन क्या होगा इस बार बराबर होगा कितना के, तीन। इसको क्या देना होगा, फिर इसको दे देना होगा साइन, डबल तो डबल कॉम क्या कर देंगे साइन डॉट कॉमा को। बाकी सबको क्या करना है, कुछ देना है बाकी सबको, बाकी सबको बोल भेज देंगे घर चले जाना है, तो यहाँ पे कर देंगे नो एम्बा, हो जाएगा ना। डॉट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट फिंगर क्लोज, और हो जाएगा। अब से यही कंडीशन को यहाँ फॉलो कर लेना है क्या, तो सबसे पहले हम कर दें यहाँ पे इक्वल टू इफ, यदि ये रैंक इस बार बराबर हो जाएगा वन के, कितना के, वन के, तो कॉमा और डबल इनोटेड कॉमा में दे देना है कार, क्या दे देना है कार, हो जाएगा ना। डबल कॉमा क्या कर लेना है क्लोज, कोई दिक्कत इसमें। और फिर जब आगे जाएंगे तो हम कर दिए कॉमा एक का, तो कंडीशन निकल गया कि एक के बराबर है तो क्या देना है कार। फिर हम यहीं पे करेंगे इफ यदि यही रैंक इस बार यदि बराबर होता है कितना के, दो के, तो कॉमा और डबल इनोटेड कॉमा इनको क्या देना है, बाइक देना है, और डबल इनोटेड कॉमा क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। फिर हम कर देंगे कॉमा, दोबारा से लिखेंगे इफ यदि यही रैंक अगर जिस पर बराबर होता है कितना के, तीन के, तो कॉमा और डबल इनोटेड कॉमा इसको इनको क्या देना है, साइकिल दे देना है इनको। फिर डबल कॉमा क्या कर लेंगे, ये लगभग तीन कंडीशन तक हो गया है ना। अब बाकी वन के, मान लीजिए कि वन के बराबर उनको कार दे देना है, दो के बराबर जिनका दो रहेगा उनको बाइक दे देना है, जिनका तीन रहेगा उनको क्या दे देना है साइकिल, हो जाएगा ना। लेकिन अगर जो तीन से अधिक जिनका होगा उनको उनके साथ क्या करना है, हम यहाँ पे कर देंगे क्या कॉमा और डबल नोटेड कॉमा, चॉकलेट दे दिया जाए तो कहेंगे हम लोग कुछ नहीं मिला है, चॉकलेट चॉकलेट दे दिया जाए, याद फिर करे तो मन मेडल, डॉट कॉमा क्या कर लेंगे क्लोज, ब्रैकेट तीन बार क्लोज करेंगे, और फिर क्या कर लेंगे एक का निकल गया है ना, इसको ड्रा कर लिए नीचे, देखिए जिनका वन है रैंक उनका क्या मिला, जिनका टू है उनको बाय, जिनका तीन है उनका साइकिल, और बाकी सबको मन, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जी ऐसे असेंडिंग वाला निकाला तो निकाले जाएंगे ना, याद रखिएगा कभी जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं ये किसके लिए किए हैं, असेंडिंग के लिए किए हैं, अब आगे हमको किसका निकालना है इसे। आ रहे समझ में ना, हाँ, किसी के मन में ये नहीं हो रहा है ना जी कि हम लोग बस एक मेडल मिल रहा है, बाकी सबको बाइक और कार मिल रहा है, तीन लोग नसीब आया है जी, अब हाँ तुमको साइकिल मिल रहा है, हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम, अब आप जहां काम कर रहे हैं वहां जो कंडीशन दिया जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वही टाइप कर लेनी, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब कह दिया जाए वहां पे कि नहीं आपको करना क्या है कि जिनका जो फर्स्ट रैंक पे होंगे ना उनको आपको साइकिल देना है, उनको क्या देना है साइकिल, जो सेकंड पे होंगे उनको क्या देना है, तो एक टेबल फैन दे देना है, और जो थर्ड पे होंगे उनको क्या करना है, एक वॉच दे देना है, और बाकी जो लोग होंगे उन लोगों को क्या करना है, एक एक मेडल या एक एक चॉकलेट दे करके घर भेज देना है, बस यहाँ पे फिर साइकिल लिखेंगे, यहाँ पे फैन लिखेंगे, और यहाँ पे वॉच लिखेंगे, और यहाँ पे मेडल या चॉकलेट जो भी लिखना हो लिख के फिर सेव कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ, फार्मूला सेम रहेगा, बस डाटा यहाँ पे क्या करना होगा, चेंज करना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब यही थोड़ी सी डेटा को हम यहाँ से यहाँ तक कर लिए सले करके कॉपी, और यही बगल में उसको क्या कर लिए पेस्ट, इस बार यही बगल में क्यों पेस्ट किए हैं, ताकि इस बार हमको क्या दिखाना है, सेलेक्ट किए क्लियर आल कर लिए यहाँ से, क्या करेंगे क्लियर, इसको सेलेक्ट सिर्फ डिलीट नहीं करेंगे,
बल्कि इस पर क्लियर आल करें ताकि सारा डेटा यहाँ का क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। बॉर्डर भी हट गया है ना, फिर सेलेक्ट करके बॉर्डर यहाँ से लगा, नाम वही है लेकिन इस बार टाइम नहीं बल्कि हम क्या देना है, नंबर देना है। क्या देना है इस बार, नंबर। क्या हुआ, अब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं सेल्स पोजीशन का है तो वहां पे सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। आ रहा समझे ना, अगर जो ऐसे कहीं एग्जाम हुआ तो एग्जाम पे जो रैंक है रैंक हो जाएगा। आ रहा समझे ना। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू रेंट बिटवीन, और नंबर कर दी 50 से लेकर के और 80 के बीच में सब लोग का रहेगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये कहा गया है ना, ड्रा कर लेंगे लगभग सबका निकल जाएगा, सब कहा गया है ना। कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद से वैल्यूम क्या कर लेंगे, पेस्ट हो जाएगा ना। हाँ, इसकी भी फॉर्मेट थोड़ी सी सेम कर लेते हैं, सेलेक्ट की टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए और बोल्ड कर, बोल्ड नहीं रखना है ना, हो जाएगा ना। अब हमको आगे क्या निकालना होगा, तो बस वही इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन नंबर करा, तो सामने वाले नंबर को क्या करेंगे सर, कॉमा, फिर पूरे रेफरेंस को क्या कर लेंगे या फोर से कॉमा। ऑर्डर में अब क्या देना होगा, असेंडिंग की डिसेंडिंग, इस बार डिसेंडिंग देना है ना, तो असेंडिंग कर देंगे तो जिसका सबसे कम नंबर लाया रहेगा वो फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा और जिसका सबसे हाई नंबर आया रहेगा वो लास्ट डिवीजन पे आ जाएगा। हम कर देने इस बार डिसेंडिंग चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए इनका 58 नंबर कितने रैंक पे, 8। इनको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे, निकल जाएगा सबका ना। इस बार कौन आया फर्स्ट रैंक पर जी, राजा कुमार। सेकंड पे राहुल। थर्ड पे कौन है, अमन। फोर्थ पे राहुल। फिफ्थ पे कौन है, फिफ्थ कहाँ पे है, हाँ फिफ्थ नहीं है, इसलिए क्योंकि नसीम का और फिर किसका, उत्कर्ष का, दोनों का सेम सेम रैंक चार है। आ रहा समझे ना, चार भी डबल है क्योंकि 64 यहाँ भी है और 64 यहाँ भी है। आ रहा समझे ना, देखिए चार के बाद से पांच नहीं है और छह के बाद से सात नहीं, आ रहा समझे ना। इन दोनों में कंपटीशन करा करके अलग अलग कर लिया जाएगा, और नहीं अगर आपको यही पता चला कि इनका एक नंबर क्या है कम है, एक नंबर कम कर लीजिए, अपने आप ये कितना रैंक पे आ गया, पांच, और ये छह। अब छह वाला दोनों सेम है ना, तो किसी एक काम क्या कर लेते हैं, अधिक कर लेते हैं। अब ये कितना हो गया, छह, ये कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा ना। ऐसे नंबर वाले की भी निकालना तो निकल जाएगा ना। क्या करें, अगर यही हम यहाँ पे जीरो को हटा करके वन कर देंगे तब देखिए, जिसका सबसे कम नंबर है ना, किसका, अजनबी अंसारी का है ना सबसे कम, देखो सबसे फर्स्ट पे वही है, सबसे अधिक राजा का था ना फर्स्ट रैंक पे, सर लास्ट पे चलेगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे काम करिए, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगर जो वही यहाँ भी अगर आपको अवार्ड निकालना तो निकाल ले जाएंगे यहाँ अवार्ड ना, सेम वही कंडीशन आपको यहाँ भी लगा देना है कि वन को जो देना है वो वन को दे देंगे, जो टू को देना है वो टू को दे देंगे, जो थ्री को देना है वो थ्री हो जाएगा ना। और बाकी सबको अगर जो अच्छे से खाना वाना खिला वाला घर भेज देना हो तो लिख दो, क्यों हो जाएगा ना। हाँ, अगर जिसको समझने में कोई कहीं कंफ्यूजन हो फिर पूछ लीजिए। हाँ, अगर जो फिक्स करने का तरीका हो आप लोगों को समझ में नहीं आया, आ रहा समझे ना, तो इतना समझ लीजिए कि अगर जो हम यहाँ पे कोई डेटा रखे हुए, आ रहा समझे ना, और यहाँ पे हम इसको पकड़ ले रहे हैं इसी इसको और इसको ड्रा करते ये भी चला बस साथ में चलता आ रहा है ना, हम चाहते हैं यहीं पे रुक जाइए नीचे न आए, कितना भी इसको पकड़ के नीचे लेके आएंगे तो नीचे आने वाला न हो, तो इसके लिए इसी को यहीं पे क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। क्या करेंगे, फिक्स, और फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो जब हम इससे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना तो यहीं पे अपर बटन दबा देंगे, यही फिक्स हो जाएगा। आ रहा समझे ना, जैसे कि एग्जाम्पल हमने पहले ही आपको बता दिया था क्या, कि एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हैं, हम यहाँ 10 टाइप कर लिए, कितना टाइप कर लिए 10, यहाँ 20 ले लेते हैं
इक्वल टू की इसको सेलेक्ट कर ली, इसको देखिए ये F4 बटन दबा दे रहे हैं, फिक्स हो गया है ना इसके साथ, यानी कि जो नंबर बताया इसके साथ हम इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको यहीं पे हम ये F4 बटन दबा दिया, फिक्स हो गया है ना, प्लस कर दिए और इसको सेलेक्ट कर लिए, देखिए इसको फिक्स नहीं किए हैं, और अब जो इंटर बटन दबा रहे थे यहाँ रिजल्ट आ जा रहा है ना, इसको पकड़ करके हमको नीचे लेके जाना है ना, नीचे लेके जा रहा है ना, जब नीचे लेकर के जिसको फिक्स कर दिए थे देखिए वही रुका हुआ, वो नीचे नहीं आया है, डबल क्लिक करिए नीचे वाले पर आके देखिए ये वाला जो है वही रह गया है ना, लेकिन इसको फिक्स नहीं किए थे, ये कहाँ गया है नीचे। तो जहां हम चाहते हैं फार्मूला लगाने के बाद से सेल चेंज ना हो उसके वहीं पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ फार्मूला लगाए हैं, हमको लगा है कि ये जो पूरा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं इसको हमको चेंज होने नहीं देना है, हम वहां पे अपर बटन क्या कर दिए, फिक्स कर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे डेटा बना लीजिए फिर फार्मूला नोट करवा दे रहे हैं। फार्मूला हाँ ये डेटा नोट कर ली, कैसे डेटा बनाना होगा फिर हम नोट करवा दे रहे हैं फार्मूला। हेडिंग दिख रहा है ना, हेडिंग दिखाई दे रहा है ना जी, नहीं ऐसा ऐसा लग रहा हो इसमें। हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आ रही, ये डेटा क्यों लिखा गया, तो एक बार पूछ लीजिए हो जाएगा ना। हाँ जो हमने अवार्ड में इस्तेमाल किया है वो हमने किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, इफ का, इसका इस्तेमाल किए हैं इफ का, और इफ में पहले से कंडीशन हमको दे दिया गया है, से कहीं और जो हम काम करने जाएंगे एक कंडीशन रखेंगे ना, जो पहले आ जाएगा फर्स्ट पे उसको हमको ये अवार्ड देना है, जो सेकंड पे आएगा उसको ये अवार्ड देना है, जो थर्ड पे आएगा उसको ये अवार्ड देना है, उसी के हिसाब से हमको लगा लेना है, जो वन पे के बराबर होगा उसको कार दे देना है, जो टू के बराबर हो उसको क्या दे देना है, बाइक दे देना है, और जो थर्ड के बराबर होगा उसको साइकिल दे देना है, और बाकी उसके बाद से जो होगा उसको क्या कर देना है, फोर से एबव जो होगा उससे ऊपर तो कर देना है क्या, वन मेडल, यानी कि एक मेडल दे देना है, या नो अवार्ड, या फिर वन चॉकलेट, या वन टॉफी, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग ये अवार्ड का फॉर्मूला लगा, ये रैंक फंक्शन यूज करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे कैलकुलेट करने के लिए डेट कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट करने के लिए डेट, डेट क्या, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है या फिर पुराना हम डेट ऑफ बर्थ ले लिए, आ रहा समझे ना, तो अभी तक उसका टोटल एज का डे कितना है, मंथ कितना है, ईयर कितना, वो पता कैसे पता करेंगे। और जैसे आप लोग देखे होंगे कई जगह जॉब जब करते हैं लोग ना, जॉब करते हैं तो क्या माना जाता है कि जब इनका जो डीओबी है अपने डीओबी से ये क्या कर सकते हैं, या तो 65 या तो 62 या तो फिर 60 ईयर तक काम कर सकते हैं। तो किसी का जो डीओबी दे दिया गया हो उस डीओबी से अगर जो 65 साल तक काम करना होगा तो जिस दिन रिजाइनिंग डेट होगा उस दिन कौन सा तारीख आएगा, आ रहा समझे ना, ये डेट कैलकुलेशन करना हो तो आपको बताएंगे अगली क्लास में डेटेड फंक्शन, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।